नमस्ते दोस्तों, आज मैं चने की दाल की पराठा आपको बनाने बताऊंगी। तो चने की दाल को धो लिया है, उसमें पानी डाल दिया, हल्दी डाल दिया है। कुकर को 3-4 सीटी लगने देंगे। जैसे ही इतना गल जाएगा उसके बाद इन्हें ठंडा कर लेंगे। उसके बाद मिक्सर जार में डाल देंगे, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च और 2-3 लहसुन डाल देंगे। यहाँ पे इसे मैंने पीस लिया। अब डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैंने नॉर्मल आटा गूंथ के ले लिया है। उस आटे की लोई को गड्ढा कर लेंगे, इसमें चने की दाल की फिलिंग को भर लेंगे और गोल गोल बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने गोल बेल लिया है। तवे को गर्म कर लेंगे, उस पे थोड़ा सा तेल डालेंगे और उलट पलट कर हम दोनों तरफ से सेक लेंगे। और हाँ, आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ हमारे पराठा बनके तैयार है। अब चलिए इसी तरीके से सारे पराठा को हम सेक लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, दूसरा पराठा भी बनके तैयार है। कैसी लगी मेरी चने की दाल की पराठा जरूर बताइएगा।